द्वारका विधानसभा के मंगलापुरी वार्ड में कांग्रेस के नेता जोगिंदर ने होली मिलन का आयोजन किया, जिसमें आसपास के कार्यकर्ता व महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं या कांग्रेस के नेताओं सभी जोगिंदर को होली की बधाई देने पहुँचे। आइए हम दिखाते हैं कि वहाँ पर आए लोगों किस तरह झूम उठे होली के गीतों पर और महिलाओं ने अपना डांस कर दिखाया। होली मिलन का आयोजन कितनी खुशी से मनाया जाता है, क्योंकि 2 साल बाद होली मिलन का आयोजन हुआ और वहाँ पर आई महिलाओं ने होली के गानों पर अपने ठुमके लगाए। इस अवसर पर मीडिया ने वहाँ पर आए कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं से बात की। आइए हम आपको सुनाते सभी का क्या कुछ कहना। भाई अनिल चौधरी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। ये जो होली मिलन समारोह है, जोगिंदर जी है हमारे, जो कांग्रेस के हमारे बहुत सीनियर हमारे वर्कर है और बड़े मेहनती है। मियाँ बीवी जो है पिछले 10 सालों से, 50 सालों से जो इनका परिवार जो कांग्रेस से रहा है और ये पिछले करीब करीब 10 साल से कांग्रेस के साथ लगे हुए रात दिन काम कर रहे हैं। और जो जोगिंदर है ये ऐसे परिवार से है जिन्होंने शुरू से ही आम जनता की सेवा की, पब्लिक की सेवा करी है। कांग्रेस के अलावा वैसे भी ये समाज सेवी है। मियाँ बीवी दोनों हर जगह पहुँचते हैं, हर प्रोग्राम पहुँचते हैं, दुख में सुख लोगों के साथ रहते हैं। जैसे इनका हॉस्पिटल है तो मैं समझता हूँ हर महीने 20-25-30 लोगों का इलाज फ्री करते हैं हर महीने। उसके अलावा जो गरीब लड़कियां होती हैं उनकी शादियां हैं और जो गरीब आदमी होते हैं उनको दिक्कत किसी राशन की वजह से हर चीज़ में हेल्प करते हैं। पीछे कोरोना आया, कोरोना में इन्होंने कम से कम भी 20-30 लाख रुपए लोगों की मदद करी राशन से। वैसे जो लोग घर बैठे थे उनकी सेवा की, काफ़ी लोगों इन्होंने सेवा की। ऋषि जी लगता है जैसे तारीफ कर रहे हैं इनकी टिकट पक्की मानी जा रही वार्ड 33 से। टिकट तो हमारे हिसाब से 99% टिकट उनको मिलनी चाहिए, इनका हक बनता है, इनका हक बनता है। ऐसे आदमी को पार्टी टिकट देगी तो लोग जीतेंगे और आगे पार्टी को भी लाभ मिलेगा और जो आसपास की सीटें हैं उनको भी लाभ मिलेगा। क्या लगता है होली मिलन का समारोह और समर्थन मजबूत दिखाने का दावा, समर्थन इनके साथ? ये तो कुछ भी लोग नहीं है, इनके साथ लाखों लोग इनके साथ में है। इन्होंने दरअसल बोल नहीं पाए, सुबह 7 बजे इन सबको फोन कर पाए, इनका फोन हो गया था, नहीं तो यहाँ पर आपको एक मतलब तिल डालने जगह नहीं मिलती। क्या लगता है कि कांग्रेस जीत का आ रही है? 100% जीतेगी, और जोगिंदर जो है यहाँ से 101% जीतेगा, इसको पार्टी टिकट देगी और जीतेंगे। और क्या कहना चाहती है होली मिलन के माध्यम से? ये मंगलापुरी वार्ड नजबगढ़ क्षेत्र से है, 33S। आज यहाँ पर होली का मिलन समारोह किया गया है। यहाँ पर जितने भी मेरे बहन भाई बड़े बुजुर्ग दिख रहे हैं, ये इन सब का प्यार है जो एक फ़ोन करने पर ही आ गए इमीजिएटली, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं मिला था कि हम लोग 2-4 दिन पहले ही इनको इन्वाइट करते। हम लोगों ने सुबह इनको फ़ोन किया है। आप जितनी भीड़ देख रहे हैं ये हमारा सबका प्यार ही है, एक साथ जो इकट्ठे हुए हैं। और जिनके दिमाग में ये गलत फहमी है कि कांग्रेस पीछे जा रही है, तो मैं आज उनको बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पीछे नहीं जा रही है। आप जितना धक्का मारेंगे ना, हम उतनी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी कभी पीछे ना हटती है और ना हटेगी। क्या होली मिलन समारोह के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को एक दिखाना चाहते हैं कि समर्थन और मजबूत किस तरीके से टिकट दे? कांग्रेस पार्टी को है ना कभी भी कुछ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसका हुजूम ही इतना तगड़ा है कि एक आवाज़ लगाएंगे ना सारे इकट्ठे हो जाएंगे, कांग्रेस कार्यकर्ता जितने हैं। और जो आम आदमी पार्टी में चले गए हैं ना, मैं चैलेंज से कहती हूँ कि आप एक बार कांग्रेस पार्टी को यहाँ से मंगलापुरी वार्ड से किसी को भी टिकट मिले, मैं ये नहीं कहती कि जोगिंदर जी को मिले या किसी और को मिले, किसी को भी मिले, हमारा पूरा ग्रुप पूरा कांग्रेस वार्ड कांग्रेस के साथ खड़ा मिलेगा, ना कि आम आदमी के पास। क्या लगता है सर किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस का? सर हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम तो शुरू से कांग्रेस के साथ हैं। समर्थन तो लोग वो करेंगे जो बाहर से आए दिखाने के लिए। ये हमारा सारा कांग्रेस परिवार है, इनको बोलने की जरूरत नहीं है, ये सदैव हम दिन रात हमारे साथ खड़े हैं, दिन रात कांग्रेस के लिए काम करते हैं। ये कार्यकर्ता नहीं, ये सिपाही है। ये दिन रात जैसे हमारे को कांग्रेस का हुक्म मिलता है हम उसी तरह से काम करते हैं। हमें किसी पार्टी से कंपेयर नहीं करना। हमारी कांग्रेस पार्टी पहले भी आगे थी, आज भी आगे, आज भी आगे। होली मिलन का समारोह है, जाहिर सी बात है 2 साल के बाद मौका, तो इस तरीके से आप टिकट की एक मजबूती दावेदारी ठोक रहे हैं। देखिए पार्टी, वो पार्टी फैसला करेगी, पार्टी जिसको मजबूत कैंडिडेट समझेगी उसको टिकट देगी, हमें देगी, सब हमारे साथ है, हमें नहीं देगी जिसको देगी हम उसके सब साथ है।
क्या कहेंगे होली मिलन का जनता को संदेश? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ सभी मेरे माता बहनों को कि अपने होली के दिन रंग लगाएं। और एक और बोला जाता हूँ कि केजरीवाल ने जो ये दारू बंटवाई है 1+1, आपसे रिक्वेस्ट है दारू ना पिए, घर में रहें और ड्राइविंग सेफ करें, तेज ना चलाए, मैं यही बोलना चाहूँगा। सूर्या जी क्या कहेंगे आज होली मिलन पे? होली मिलन का संदेश है ये द्वारका की तरफ से हमारे जोगिंदर भाई ने रखा है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम रखा। सारे कांग्रेस जन हमारे जो हैं द्वारका के आज इकट्ठा होगी, इसी बहाने से एक बार मुलाकात सब लोगों की होगी आपस में। क्या लगता है होली का बहाना और गिले शिकवे दूर करना? गिले शिकवे तो है ही नहीं आज पार्टी में, कहा है कार्यकर्ता है, हमारे कार्यकर्ताओं में तो आपस में कोई वैर मेमेंट्स तो है ही नहीं। देखिए आज का जो कार्यक्रम है वो जोगिंदर सिंगल जी ने आयोजित किया है, लगातार ये और इनकी वाइफ गीता सिंगल जी सामाजिक गतिविधियों में हमेशा लगातार लोगों की जनसेवा करती रहती हैं और ये दोनों लगातार ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं और इसको देखते हुए इन लोगों ने आज बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग आए हुए हैं और होली का पावन त्यौहार है, गिले शिकवे सब दूर करने का ये मौका मिलता है। समीर तिवारी की नज़र है कि पक्की टिकट मानी जाए जिस तरीके से हुजूम उमड़ा है? देखिए ऐसा है, मैं एक बात बताता हूँ, टिकट जो है ना टिकट होती है आला कमान के हाथ में, हम तो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे आला कमान डिसाइड करेंगे हमारे नेता अनिल चौधरी जी हैं, आदर्श शास्त्री जी हैं, जो वो डिसाइड करेंगे हम तो उनकी नीतियों पे चल रहे हैं। जोगिंदर जी हमारी उनकी नीतियों पे चल रहे हैं, अनिल चौधरी जी के आदर्श शास्त्री जी के नेतृत्व में लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बाकी समय बताएगा। ठीक है, होली मिलन में जोगिंदर जी ने यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है, सारे सैकड़ों के उसमें सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए हैं कांग्रेस पार्टी के और ये होली मिलन त्यौहार जो बनाया जा रहा है ये मेरे हिसाब से बहुत एक जो दूर दूर से भी हम सारे क्षेत्र से द्वारका के इकट्ठे हुए तो कईयों से मुलाकात नहीं हो पाती थी, हम सब से मुलाकात हो चुकी वर्करों से और जो हम पेड़ दोस्त वोस्त में लगे हुए हैं कांग्रेस के भाई। जोगिंदर सिंगल जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, यहाँ हजारों की तादाद में लोग आए हैं, पूरे ज़िले से आए हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक मिलन हुआ है और बाहर से भी नॉन कांग्रेस जो है उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है जोगिंदर सिंगल जी के यहाँ। हमारे बहुत ईमानदार नेता हैं और चाहे भाई क्या लो, उन्होंने कोरोना के समय भी बहुत लोगों की मदद की थी आर्थिक मदद, तो ये वैसे भी इनका क्लिनिक है, इन्होंने फ्री में लोगों की सेवा भी की है। जो हमारे जोगिंदर सिंगल भाई जी हैं बहुत ही ईमानदार और शुरू से लोगों की मददगार रहे हैं, कोरोना भी निस्वार्थ इन्होंने सबकी सेवा की है, भंडारे करे हैं और हम तो ये चाहते हैं जो शुरू से कांग्रेसी रहे हैं और जो हमारे जो जोगिंदर भाई हैं शुरू से ईमानदार भी हैं, मिलनसार भी हैं, मददगार भी हैं, हम पार्टी से यही उम्मीद करेंगे कि हमारे बीच में हमारे क्षेत्र का आदमी आए, किसी बाहरी निवासी को टिकट ना दे और ऐसे आदमी को जो शुरू से निस्वार्थ पब्लिक की सेवा करता हो, हमारे क्षेत्र का हो, हमारे वार्ड का हो। हम ही हाई कमान से यही रिक्वेस्ट करते हैं जो हमारे क्षेत्र का आदमी उसको टिकट दिया जाए, मददगार हो। जो हमारे जोगिंदर सिंगल भाई हमारे क्षेत्र के हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं और शुरू से कांग्रेसी रहे। ठीक, धन्यवाद। लाइक शेयर एंड कमेंट, टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।